नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। पाकिस्तान टूटने वाला है, ये खबर बहुत बड़ी है कि पाकिस्तान टूटने वाला है। इनफैक्ट पाकिस्तान के पास कुछ पैसा बचा ही नहीं है। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या जिस कगार पे आज पाकिस्तान पहुंचा है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे ये भी आप हम जानते हैं। पहली बात आप समझिए कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। ये देख लीजिए, कुछ वीडियो क्लिप्स बीच बीच में आती रहेंगी आपको, फोटोग्राफ्स। तो आप देखिए, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं इंपोर्ट करने के लिए ऑन अ बिगर स्केल। पाकिस्तान के पास आपके खाने के लिए पैसे नहीं है। मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो खाना खरीद सके। लोग ट्रक्स के पीछे दौड़ रहे हैं फॉर गेटिंग द फूड। आटा, चावल, सब्जी, इन सब के लिए लोग ट्रकों के पीछे दौड़ रहे हैं और कितनों को मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि कितना रहेगा एक ट्रक के अंदर। ये बहुत बड़ी एक सिचुएशन आ चुकी है जो एक डिजास्टर है, इसको हम लोग जानेंगे। पहले पाकिस्तान का ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये 50 साल में पहली बार इतना ऊपर गया है। 50 साल में ये समझिए सबसे हाईएस्ट उनका इकोनॉमिक डिजास्टर है जो आया है। अभी ये इकोनॉमिक डिजास्टर जो आया है, ये कैसे, यहाँ तक कि आप समझिए पाकिस्तान 75 साल से भीख मांग मांग के ही जी रहा है या दान धर्म पे ही जी रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए उनका फोटोग्राफ भी है। उनके प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि 75 साल से हम भीख का कटोरा लेके घूमते हैं इधर से उधर। ये इतनी चीजें हैं। पाकिस्तान के पास अभी पैसा बिल्कुल नहीं है। 10 मंथ पहले की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, 10 महीना पहले में ये रिपोर्ट आई थी। इनके पास सिर्फ 3 हफ्तों का पैसा बचा हुआ था इंपोर्ट करने के लिए। एक इतना बड़ा देश जहां 20 से 25 करोड़ की आबादी रहती है, अराउंड 25 करोड़ की आबादी है, और उस देश के पास सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट का पैसा था। ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है पाकिस्तान के 50 साल के इतिहास में। एक बात और बताता चलूं, ये वीडियोस भी आपने बहुत दिन पहले देखा होगा कि पाकिस्तान के मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हमें चाय नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? क्योंकि पाकिस्तान कभी भी इंपोर्ट नहीं करता है। पाकिस्तान चाय का ना खेती होती है, पाकिस्तान चाय इंपोर्ट ही करता है। पाकिस्तान के पास खुद का नहीं है, तो वो इंपोर्ट के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान के मिनिस्टर तक कह रहे हैं चाय भी मत पीजिए, जो एक रोज का डेली एसेंशियल चीज है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात आप लोगों को बोल दूं, भले ही ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचे और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपना नॉलेज शेयर करूं, लेकिन इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो दिखती तो छोटी है लेकिन इसे बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगता है और बहुत इन्वेस्टिगेशंस, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम डेटा के साथ आपके पास आते हैं। तो हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पाकिस्तान के पास इन्फ्लेशन जो अभी बढ़ा है, महंगाई जो बढ़ी है, ये अराउंड 30-40% हो चुके हैं। इनफैक्ट कहीं कहीं जगहों पर 40% से ऊपर है। मतलब आप समझ के चलिए, जो चीज़ें आप आज से पहले 100 रुपये में खरीदते थे, अगर आज खरीदना है पाकिस्तान में तो आपको 140 रुपये देने होंगे या 150 रुपये देने होंगे। तो इस कदर का इन्फ्लेशन हो चुका है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कमाई के कोई साधन नहीं है। अभी इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एक डिसीजन भी ले लिया बीच में, कि उन्होंने अपना ऐतिहासिक बिल्डिंग न्यूयॉर्क वॉशिंगटन डीसी, वहाँ पे उनका एम्बेसी जो था पाकिस्तान का, उसको उन्होंने बेच दिया। यानी पाकिस्तान हर जगह से कुछ ना कुछ बेच के या करके पाई पाई जोड़ रहा है। और ये जो अपना हिस्टोरिक एम्बेसी बिल्डिंग बेचा है वॉशिंगटन में, ये जिसको बेचा है वो एक पाकिस्तानी अमेरिकन ही है, वहाँ का एक बिजनेसमैन है, हाफिज खान, अब्दुल हाफिज खान। इन्होंने 7.1 मिलियन में ये बिल्डिंग खरीद लिया है। और ये आप सोच सकते हैं, कोई एम्बेसी अपना देश का बाहर बेच दिया पैसे के लिए, तो पाकिस्तान किस सिचुएशन में है। लेकिन ये सिचुएशन आया कैसे, मेन है वो, और इसके कारण क्या है, हम लोग वो जानते हैं। पहली बात तो आप समझिए कि
1947 में जब भारत आजाद हुआ, जैसे ही आजाद हुआ उसके एक दिन पहले पाकिस्तान को एक अलग देश घोषित कर दिया गया बाय ब्रिटिशर्स। उन्होंने हमारे एक अंग को काट के एक अलग देश बना दिया। ऑन टू नेशन थ्योरी, हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये सबसे बड़ा डिसर था उस टाइम का। आपको पता है 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान में 29 मिनिस्टर्स चेंज हो चुके हैं, 29 मिनिस्टर्स। और 1947 में हमसे अलग होते ही जब भारत को आज़ादी मिली थी हमसे वो अलग हो गए, लेकिन उनका पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ 1970 में, 23 साल बाद। और इन 29 जो प्राइम मिनिस्टर बोला मैंने अभी तक का हिस्ट्री में इनके पास है, उसमें से 18 को या तो करप्शन का चार्जेस लगा के निकाला गया है या फिर मिलिट्री कू के हिसाब से निकाला गया। दोनों ही तरीकों में पाकिस्तान ने कभी भी एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा है जिसने अपना 5 साल का टर्म पूरा कंप्लीट किया हो, अपना टेनोरिटी पूरा पूरी कंप्लीट किया है। ये बहुत बड़ा चीज़ है। और इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के लिए जो पॉलिटिकल क्राइसिस चालू है, इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के लिए आपको बाहर में इनकी कोई इज्जत नहीं बची है। कोई बाहर का देश इन पे भरोसा नहीं करता है या इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते हैं। और ऐसे भी इन्होंने कभी भी कुछ बनाने में या कुछ नया डेवलप करने में कभी ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि इनके पास फोकट के पैसे शुरू से आ रहे थे। उसका मैं टॉपिक कभी अलग बना दूंगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डिजास्टर क्यों आया है, पाकिस्तान क्यों ख़त्म होने वाला है। इसका आप समझिए, इसके छोटे मोटे कारण नहीं, इसको हम लोग 3 कारण में बांटते हैं। पहला जो कारण है ये है आपका इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरा इकोनॉमिक डिजास्टर बोल सकते हैं, दूसरा आपका पॉलिटिकल डिजास्टर, तीसरा क्लाइमेट डिजास्टर। तो इसमें जो है आप समझिए, पॉलिटिकल डिजास्टर में क्या हो रहा है, कोई भी पार्टी एक साथ कोई भी टर्म कंप्लीट नहीं किया है किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हर बार या तो करप्शन चार्जेस लग के हटा दिया जाता है या ये लगा के हटा दिया जाता है, मिलिट्री का अपना शासन ले लिया जाता है मिलिट्री के हाथ में। अभी लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनका टर्म कंप्लीट होने ही वाला था कि शहबाज शरीफ जिन्होंने आपको इमरान खान को अपना गद्दी से हटाया, ये 7 पार्टियों के साथ मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए उनके पार्लियामेंट में और इमरान खान को अपना सत्ता छोड़ना पड़ा था। तो ये एक चीज है कि कोई भी पॉलिटिशियन अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाता है, इससे कोई भी निवेशक उनके ऊपर भरोसा नहीं करता है कि इस कंट्री में कोई भी चीज स्टेबल नहीं है तो हम अपना पैसा इन्वेस्ट कैसे करें। और उसमें से सोने पे सुहागा कि पाकिस्तान कभी ना मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दिया है ना अपना डेवलपमेंट में ध्यान दिया है, दे हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन रेडिकलाइजेशन, ये सिर्फ रेडिकलाइजेशन में फोकस दिया है। और ये बहुत गलत चीज है जिसका खामियाजा आज इनको भुगतना पड़ रहा है। और ये आपको एक बात बता दूं, ये जो एम्बेसी जो बिका था मैंने आपको बताया वहां पे बिना पैसे का, ये अब्दुल हफीज खान ने जो लिया था ये 7.1 मिलियन में खरीदा है, 14 जुलाई 2023 को ही खरीदा है, ये कुछ ही महीना पहले उन्होंने खरीद लिया है। अब ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है, एक इंडिविजुअल आदमी बिजनेसमैन जो है पाकिस्तान का जो यूएस में बिजनेस करता है उसके पास है। दूसरा जो है फिनेंशियल क्राइसिस कैसा है, पाकिस्तान का फिनेंशियल क्राइसिस देखोगे तो माने इसकी हिस्ट्री ऐसी है ना, पॉलिटिकल और फिनेंशियल, इसके ऊपर एक सस्पेंस मूवी बन सकती है, इतना इंटरेस्टिंग है इसका। अगर मैं उस पर जाऊँगा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन कभी मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे कमेंट्स में बोलिए। इसका फुल एक सस्पेंस मूवी और थ्रिलर मूवी का आपको फील देगा इसका पॉलिटिकल डिजास्टर और इकोनॉमिक डिजास्टर। इकोनॉमिक में क्या हुआ है इनका जो आपके पास अभी करेंट डेट में फॉरेक्स रिजर्व है ये है 9.93 बिलियन और इनके पास उधार है 8 बिलियन। कुछ महीना पहले इनके पास था अकाउंट में 5 बिलियन और उधारी था 8 बिलियन, तो बीच में सऊदी ने आकर कुछ हेल्प की और इनको बचाया। अभी इनका पैसा गिरा क्यों, इनका एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है वो करता है 30 बिलियन डॉलर्स का और इम्पोर्ट जो करता है ये करता है 90 बिलियन डॉलर्स का, मतलब जितना कमाई नहीं उससे ज़्यादा खर्चा।
तो खर्चा जब ज्यादा होएगा तो आपका अपना पॉकेट से पैसे निकालने ही पड़ेंगे, जो बचा हुआ है घर से भी अलग से लगाना पड़ेगा। तो ये चीजें पाकिस्तान को नहीं समझ में आई। पाकिस्तान का टोटल जीडीपी है 376 बिलियन डॉलर, लेकिन उसका टोटल डेब्ट जो है वो है 274 बिलियन डॉलर। वन थर्ड ऑफ द जीडीपी जो है ये इनका लोन का इंटरेस्ट रीपेमेंट करने में चला जाता है। मैं दूसरा नहीं बोल रहा हूँ कि लोन रीपेमेंट में जाता है, लोन का इंटरेस्ट पे करने में इनको चला जाता है। वन थर्ड ऑफ द जीडीपी या वन थर्ड ऑफ देयर इनकम, जो वो इनकम जनरेट करते हैं इन वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज से, उसमें आप समझिए वन थर्ड उनका सिर्फ लोन रीपेमेंट में जाता है। सेकेंडली आप पकड़ के चलो कि उसका कभी भी इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहा है, क्योंकि वो कभी कुछ इकोनॉमी में ध्यान ही नहीं दिया है। वो उसको फ्री का, क्योंकि अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए वो बहुत कुछ फ़ायदा उठाया है। जब अफगानिस्तान में वॉर था, यूएस गया हुआ था, अपने बेसिस दिया, अपना एयर स्पेस दिया, और उससे इसने बिलियंस ऑफ डॉलर छापे हैं। उस टाइम 1970s, 1980s, 1990 तक पाकिस्तान का रुपया हमसे अच्छा था या इक्विवेलेंट था। लेकिन आपको जब फ्री में हर चीज़ मिलती है तो आपको काम से आप दूर चले जाते हैं। इसके लिए मैं हरदम बोलता हूँ, ना रिजर्वेशन अच्छा है, ना फ्री में मिलने हुई कोई चीज़ अच्छी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आप अच्छा से कमा पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी फोकट में ही रह जाएंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हर जगह IMF वगैरह में हर जगह जा रहे हैं, UN में जा रहे हैं कि हमको हेल्प करो। IMF को तो छोड़िए अभी, लेकिन कुछ देशों ने मिलकर और कुछ संस्थाओं ने मिलकर इनको 10 बिलियन डॉलर दिए। याद रखिएगा, ये लोन नहीं दिया गया था 10 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर इनको एज अ दान दिया गया, एज अ मदद दी गई, हेल्प, जो कि इनको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इनके पास पैसा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इनके खर्चे ही इतने ज़्यादा हैं और कुछ आने का तो कमाने का तो साधन इनके पास बचा नहीं। तीसरा चीज़ है इनका, जब आप कोई भी चीज़ के ऊपर करते हैं तो गवर्नमेंट जैसे ही चेंज होती है, इनका एक इमरान खान ने एक स्लोगन लाया था, नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान इनको हर बार नया फाइनेंशियल रिस्क दे के ही, प्रॉब्लम्स दे के ही जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई नया गवर्नमेंट आता है वो नया पाकिस्तान की जगह करने के लिए पुराने जो फाइनेंशियल टास्क या फाइनेंशियल प्रोग्राम्स जो चालू हैं उनको बंद कर देता है, ये दिखाने के लिए कि वो फेलियर हैं, वो गवर्नमेंट का ये फेलियर था, ये हो रहा है, और इनका नया इम्प्लीमेंट करते हैं फाइनेंशियल प्रोग्राम्स, जो कि सही है कि नहीं पता नहीं अभी क्या होता है। तो ये ज़्यादा फाइनेंशियल डिजास्टर की ओर लेके जा रहा है। तीसरा चीज़, गवर्नमेंट को उनका पता है कि इन लोगों के पास खरीदने को पैसे नहीं हैं, खाने को पैसे नहीं हैं, चीज़ें खरीदे कैसे, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है कि वो कैसे ये चीज़ों को कम करें। बस वो हर जगह से उधारी ही मांग रहे हैं। और इस समय पाकिस्तान एक ऐसा डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, जिससे निकलने का एक ही सलूशन है, और उधारी। एक उधारी लो, दूसरे को चुकाओ, उससे उधारी लो, तीसरे को चुकाओ, बस यही चल रहा है पाकिस्तान में, बिकॉज दे हैव नो एनी फाइनेंशियल एडवाइजर पर प्रॉपरली कटिंग एज वाला, जो कि इसको संभाल सके, या उनके हुक्मरान भी ऐसे नहीं है, या फिर उनका पब्लिक भी वैसे ही है जिसको कभी भी किसी ने कुछ सोचा ही नहीं, सिर्फ जलसों में जाना है उनको और ये करना है। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है उनका देश के लिए। लोग खाने के लिए जब झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो आप सोचिए आगे क्या होगा। इसमें अभी हर जगह ये जा रहे हैं मांगने के लिए। बीच में UAE ने कुछ पैसे भी दिए थे, चाइना ने भी दिए थे, मैं चाइना पे भी आऊँगा बाद में। अभी इनके ऊपर क्लाइमेट डिजास्टर भी आ रहा है, जबकि ये ग्लोबल इमर्शन का, ग्लोबल पॉल्यूशन जो हम लोग करते हैं उसका पाकिस्तान सिर्फ 1% हिस्सेदार है ग्लोबल पॉल्यूशन में, एमिशन में। क्यों, ज़्यादा कुछ बनाते ही नहीं है तो एमिशन कहाँ से होएगा। लेकिन कर्मा घूमता है, आप दूसरे को तकलीफ दिए थे जब भी आपका सब कुछ था। तो इसके लिए अभी कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले जो बाढ़ आई थी, कभी सूखा गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बाढ़ में तो पाकिस्तान को 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था, जो कि एक मरता हुआ कंट्री के लिए ऐसे ही सर दर्द, ऊपर से सर फट भी गया, ऐसा सिचुएशन था। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं,
ये सब घूम फिर के उनको ही अफेक्ट कर रही हैं और ये सब चीजें उनको खींचती ही जा रही हैं दलदल में और ये फंस चुका है। अभी लास्ट में बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है। इसका इम्पैक्ट ये है, आप समझ के चले कि भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट गिरेगा। पहली बात तो पाकिस्तान में क्राइसिस हो रहा है, ये ठीक नहीं है, या कहीं भी हो रहा है ये क्राइसिस ठीक नहीं है। फॉर नॉर्मल पीपल के मैं बात कर रहा हूँ, ये ठीक बिल्कुल नहीं है। इनके पास एक और सरदर्द है, तालिबान। तालिबान एक अलग सरदर्द इन्होंने पाल लिया। पहले तो बहुत खुश हो गए लेकिन आपके लिए लोग आपके खिलाफ हो गए और तालिबान अभी इनके ऊपर ही अटैक कर रहा है। वो भी जी, पाकिस्तान बहुत जल्द चार टुकड़ों में टूटने वाला है। इसके ऊपर बोलिएगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ला दूंगा, आप कमेंट्स में बताएं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इस पर। अभी इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, आप समझिए। मैं जैसे बताया, बहुत सारे कंट्रीज और फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर इनको $10 बिलियन का लोन दिया था, सॉरी लोन नहीं, हेल्प किया था। लोन नहीं, ये सिर्फ दान दिया था कि उनको वापस करने का नहीं जरूरत है, अब अपना इकोनॉमी सुधारिए। अभी इकोनॉमी सुधारने की जगह ये पैसा एक ही शर्त दिया गया था कि ये पब्लिक के लिए लगेगा, लेकिन इन्होंने करप्शन और मिलिट्री खा गई ये पैसा, ठीक है। इसमें चाइना ने भी दिया था $100 मिलियन इस दान में। इसके बाद आप समझो, इंडिया चारों तरफ से, इंडिया जो है वो चारों तरफ से ऐसे कंट्रीज से घिरा हुआ है फिलहाल जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहे हैं। आपका पाकिस्तान हो गया एक, दूसरा श्रीलंका हो गया, और दो हैं जिनका भी नाम बताता हूं मैं, लेकिन ये दोनों तो गिर ही गए हैं और ये गिरने की कगार पे हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। ये लोग गिरने की कगार पे हैं और पाकिस्तान और श्रीलंका तो गिर ही चुके हैं। पाकिस्तान ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, श्रीलंका ने तो कर दिया था, ठीक है। अभी समझिए क्या होता है, अगर इस क्राइसिस में ऐसा कुछ हो जाएगा, कहीं से पैसा नहीं, तो इंडिया पे इम्पैक्ट ये है। पाकिस्तान से भी क्या खतरा इधर से, पहली बात तो जब वहाँ सिविल वॉर होने का एक पहला संकेत है, पहला संकेत अगर हुआ, काफ़ी सारे इलीगल रिफ्यूजीज हमारे इधर एंट्री करेंगे, ठीक है। ये पहला एक सरदर्द है। दूसरा सरदर्द है, आप समझ के चलिए, न्यूक्लियर बॉम्ब वाला कंट्री है पाकिस्तान। अगर इधर सिविल वॉर हो गया या एकदम डिजास्टर में गिर गया और गलती से जैसे आतंकवादी हमले हो रहे हैं वहाँ पे, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स किसी गलत हाथ में चले गए तो क्या होगा। तीसरी, इन सब चीज़ों को देखते हुए चाइना, अगर इनको ये सुधरे नहीं या इनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आई, चाइना सुपरमैन की जैसा एंट्री मारेगा, सबको बचा लेगा। इस अवज पे वो पाकिस्तान से ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट साइन कराएगा जो कि इंडिया के फेवर में नहीं होंगे। दो मैं आपको एग्जांपल अभी दे देता हूँ। ग्वादर पोर्ट पे चाइनीज अपना शिप लेके आते हैं, सर्विलेंस शिप करते हैं या शिप डॉक करते हैं, आर्मी नेवी शिप्स। दूसरा आपका हम्बन टोटा, जहाँ पे भी श्रीलंका ने वही पैसे का ट्रैप में फंसा कर वहाँ पे आया और किया, और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सब चीज़ें बताकर मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ कि आप भी गवर्नमेंट से बोलें कि कुछ स्ट्रॉन्ग कदम्स उठाए जाएं अपने सिक्योरिटी के लिए। और मैं ये भी प्रे करता हूँ भगवान से कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, इससे शायद दुनिया को फ़र्क गिरे और हमको तो फ़र्क गिरना ही चाहिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।